तो फ्रेंड राइट टाइम राइट स्टॉक राइट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट। दोस्तों सिर्फ एंड फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा लगाने से स्टॉक नहीं चलता है, आपको जानना पड़ेगा कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है। दोस्तों आज आपके लिए स्टॉक के बारे में मैं तो दिखाऊंगा सब, जो देखते हैं फाइनेंस कंडीशन देखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल देखते हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हट के दिखाऊंगा जो आपके लिए नया हो सकता है। यूट्यूब में बहुत कम ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा पहचान करना सीख जाओगी तो आप अगर पैसा लगाओगी तो आपका हर स्टॉक आपका टारगेट हिट करेगा, आपका हर स्टॉक मालामाल कर देगा। तो दोस्तों ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, आपको मैं 5,000 इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, एक साल में 5,000-15,000 तक जाएगा मिनिमम। चलिए सब कुछ मैं देखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को डिसलाइक भी मार सकता है। मैं आपके लिए क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लेके आना स्टार्ट कर चुका हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है खुद मैनेजमेंट के अंदर से बाय डेजिग्नेशन पार्सन, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको जो क्लाइंट कैटेगरी ये सब मैनेजमेंट के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर की मैं यहाँ पे बाइंग कर। फेब्रुअरी 2021 में यहाँ पे सुरेश जी ने ये मैनेजमेंट के अंदर ये 12,000 शेयर उठाया। उसका दोस्तों देखिए फिर देखिए 15,000, 3,000, 1,000, 4,000, 6,000, 30,000 सब ने यहाँ पे माल उठाया और इसका पोर्टफोलियो इसका होल्डिंग 260,000, 1,30,000, 1,04,000 इतना अच्छा होल्डिंग हो चुका है खुद मैनेजमेंट के अंदर से यहाँ पे बाय हो रहा है। ये तो छोड़ दीजिए मैनेजमेंट के अंदर का बात है, लेकिन FIS, DIS, म्यूचुअल फंड सब ने यहाँ पे माल उठाया, वो भी आपको डाटा मैं देखूंगा। चलिए देख लेते हैं। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा धक्का लगा है फाइनेंस कंडीशन के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर बंधन बैंक को, क्योंकि इसका जो एक्चुअल में काम काज उसके ऊपर गवर्नमेंट बोल दिया था आपको ईएमआई देना नहीं पड़ेगा कुछ दिन के लिए, तो इसका बहुत दिन से पैसा नहीं उठा रहा था, इसके चलते थोड़ा सा नीचे आ गया था। ये आज का मार्केट का 2000 का स्टॉक बनने वाला था दोस्तों, जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो उसके बाद इसको ज्यादा देर लिस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन आज इसका प्राइस अगर मार्केट में अगर इस कोरोना वायरस का नहीं आता तो इसका प्राइस 2000 के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्तों, आज का मार्केट में अगर आप देखोगी इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से सबका बाप है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस मॉडल के हिसाब से सबका बाप है। इसका जिस हिसाब से पैसा डबल होता है दोस्तों, वो किसी भी बैंक का ऐसा कंडीशन ज्यादा नहीं, बहुत कम बैंक ऐसा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर मेरा पसंदीदा बैंक है बंधन बैंक। दोस्तों मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया का जाने माने एनालिस्ट संजीव बसेन जी, अनिल जी और भी दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको ऐसा बाई करने का सलाह दे चुका था दोस्तों। चलिए अभी देख लेते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाके, जहां पे देखिए खुद FIS ने 34.92% था 35.44% का हो चुका है। FIS ने माल उठाया, DIS के पास भी देखिए DIS 0.6% का माल उठाया, म्यूचुअल फंड भी माल उठाया, कंपनी का स्टॉक अभी आपको नीचे मिल रहा है दोस्तों, स्टॉक अभी नीचे मिल रहा है, जितना नीचे मिले उतना बाय करिए दोस्तों, जितना नीचे मिले उतना बाय करिए। आप लिख के रख दीजिए स्टॉक 1000 पार कर जाएगा 2022 तक स्टॉक 1000 पार कर जाएगा दोस्तों। और हम लोग अगर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी का आज का मार्केट का जो कंडीशन था थोड़ा सा नीचे आया था, नीचे मिल रहा मतलब आपको मौका मिल रहा बाय करने का, और नीचे आने दीजिए, मेरे ख्याल से 250 रुपया क्रॉस नहीं करेगा उसके ऊपर से अभी भाग जाएगा। तो अभी अगर आपके पास मौका है तो बाय कर लीजिए, आपको टेंशन नहीं है, बाय करने का चांसेस हो जाइए आपको पैसा एक साल के डेढ़ साल के अंदर 2 से 3 गुना हो जाएगा। आप लिख कर रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो हिसाब से बंधन बैंक का जो पॉलिसी है दोस्तों, पैसा गांव गांव में जो पैसा बांटता है, जिस हिसाब से पैसा लोन का इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से मैं देखा हूं, मैं इसका जो धंधा है उसका सेम धंधा मैं करती हूँ दोस्तों। मेरा भी एक बंधन का स्कीम चलता है, मेरा भी पैसा मार्केट में खटता है, तो मेरे ख्याल से मेरा जो इसका जो स्कीम है बहुत अच्छा है, एक से डेढ़ साल के अंदर अपना पैसा डबल हो जाता है।